हाँ जी बेटा, चैप्टर मेरे पास जो है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है रिवाइज कराने लगी हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्म होती है a1x + b1y + c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरे पास a2x + b2y + c2 इक्वल टू जीरो, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। सबसे पहला इनका सोल्यूशन कैसी फॉर्म में होगा वो कैसे पता चलता है, इनकी रेशियो की वैल्यू से। मेरे पास हो, अगर a1 over a2 इज नॉट इक्वल टू b1 over b2 हो, तो बेटा मेरे पास ये यूनिक सोल्यूशन, ओके, या इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं, इसको ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं, ओके बेटा। सेकंड मेरे पास जो है यहां पर, इसमें c1 c2 का कुछ नहीं देखते, मीन इट देयर इज नो नीड टू सी c1 एंड c2, ओके। अब सेकंड मेरे पास, अगर a1 over a2 इज इक्वल टू b1 over b2 इज नॉट इक्वल टू सी। अच्छा, अगर इसका ग्राफ बनाऊ ना तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, ओके। अगर सेकंड में देखो, मेरे पास a1 over a2 इज इक्वल टू b1 over b2 इज नॉट इक्वल टू c1 over c2, इसे हम कहते हैं नो सोल्यूशन, ओके जी। और यहां पर नो सोल्यूशन मीन्स मेरे पास पैरेलल लाइंस ग्राफिकली, पैरेलल लाइंस या इंडिपेंडेंट लाइंस, और इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। कितने सारे नाम है, यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो बेटा इसकी जो लाइंस हैं वो ऐसे ड्रॉ होती, ओके बेटा। थर्ड मेरे पास जो है, अगर आप देखोगे थर्ड में मेरे पास क्या होगा, इफ यू सी a1 over a2 इज इक्वल टू b1 over b2 इज इक्वल टू c1 over c2, तो बेटा यहां पर मेरे पास जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ओके बेटा। ग्राफ ड्रॉ करूं एक के ऊपर एक, इसे भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहते हैं, ओके जी। डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कह देते हैं। ओवरलैपिंग लाइंस ये भी कह देते हैं, हर अलग अलग नेम के अकॉर्डिंगली हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। सिर्फ यही चीज है जो यहाँ याद रखने वाली है, बाकी तो सब नॉर्मल से सॉल्व करने का मेथड है। आगे हम कह रहते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इलिमिनेशन, ये सब चीजें याद रखो, यहाँ कुछ ऐसा नहीं, यहाँ रेशियो से ही सब कुछ डिपेंड है। या वर्ड कोई केस स्टडी है उसमें इक्वेशंस बनानी, केस स्टडी आ जाए कि ये केस है जी, इतने मैंगोज लिए, इतने ऑरेंज लिए, टोटल इतने पैसे लगे, टोटल इतने फ्रूट्स हैं, तो बताओ कितनी कॉस्ट ऑरेंजेस की है, कितने एप्पल की कॉस्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप देखे नाश की, ठीक है कि नहीं। तो वो तो केस स्टडी डिपेंड करता है, नंबर वाला, डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, स्पीड वाला आ जाए, तो वो प्रैक्टिस से आपको पता चलता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास वो है, लेट अस सी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही याद रखने वाला है बस। हाँ जी, मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - 9y = 24/2 है ना, हैज मेरे पास दिया हुआ है वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
चेक करने के लिए जब भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना है ना, तो बेटा ए वन ओवर ए टू मेरे पास 5/3, बी वन ओवर बी टू -15/-9 तो ये 5/3, और C1/C2 8/24/5 ऊपर लगा देंगे तो ये कटेगा, तो ये 5/3 आएगा। ऑल वैल्यूज आर इक्वल तो किसमें होता है? नो सोल्यूशन में 100%। ओके बेटा, किसमें होता है? नो सोल्यूशन में। तो मेरे पास ऑप्शन आ गई डी, क्योंकि डी ऑप्शन में मुझे क्या दिया हुआ है? नो सोल्यूशन दिया। ओके चलिए, हाँ जिससे मर्जी, चाहे आप कर लो कि 5 जो है एलसीएम लेके कर लो, why to increase your calculation, जब रेशियो ही लेनी है तो डिवाइड होके अपने 5 जाना। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मेरे पास वो है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर। मुझे उसने कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स। अब सीधा करोगे, आपको पता है आप ऐसे लिखो वंस टेंस, वंस पे एक्स, वाई पे टेंस, या इधर वाई इधर एक्स जैसे मर्जी ले लो। तो नंबर मेरे पास ये हो गया एक्स प्लस वाई, मेरे पास हो गया 9। तो नंबर कैसे बनता है? 10 वाई प्लस एक्स ना। अब उसने कहा इफ 27 इज एडिड टू इट, अगर मैं नंबर में 27 एड कर दू, ठीक है, तो देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दैट इज 10x+y। तो मेरे पास जो है ये इधर आ जाए तो 9y-9x = -27। मैं 9 से डिवाइड कर दू, y-x = मेरे पास कितना आ गया? -3। अब एड कर दो, एक्स एक्स कट गया, 20y, इधर कितना आ जाएगा मेरे पास जो गए, इन दोनों को देख रही हूँ ना, 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो x की कितनी आ जाएगी मेरे पास? दैट इज 6। ओके जी, तो नंबर क्या बन गया ध्यान से? 36। अब उसने यही पूछा था व्हाट विल बी द नंबर। अब आप खुद सोचो, अगर आप 36 में 27 ऐड करते हो तो ये 63 बन जाता ना, डिजिट रिवर्स हो गए। अच्छा इसमें ना हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। एक बार मेरे पास अगर मैं 45 है, 45 में 27 ऐड करूं तो क्या ये रिवर्स हो रहा है? देखिए नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, यानी मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगला नंबर मुझे दिया 72, 72 में मैं अगर 27 ऐड करूंगी, डिजिट रिवर्स हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि ये तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 72 में कुछ ऐड करूंगी तो कुछ सोचो वो नंबर बढ़ेगा, 27 थोड़ा होगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं। अगला मेरे पास था 63 में मैं 27 ऐड करूंगी तो वो 36 बन ही नहीं सकता, यानी एक ही ऑप्शन रहेगी 36 पे, 36 में 27 ऐड करूंगी, मतलब मुझे ये सारा करने की भी जरूरत नहीं है, मैं लॉजिकली भी सोच के सम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके क्लियर, समझ आ गई बेटा? अगर टाइम कम है तो आप थोड़ा लॉजिकली सोच के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलो बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट मेरे पास जो है ग्राफिकली, अब उसने पूछा कि ग्राफिकली यू हैव टू टेल मी कि ये कैसे है। अकॉर्डिंग टू देम ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मेरे पास हो गए, -3y+10=0, 2x-y+9 जो है =0। ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली एट 1 point, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 2 point, कोइंसिडेंट या पैरेलल? उसने कहा कि ग्राफिकली बताओ, जब भी ग्राफिकली बताना है जो भी बताना है, a1/a2 सीधा मुझे पता 3, b1/b2 मेरे पास 3, c1/c2 10/9, तो क्लियर कट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस। तो यहां पर क्या आएगा? पैरेलल लाइंस आएगा। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर।
चलूं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे, एनी डाउट टू एनी वन? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एनी डाउट बेटा? ओनली सृष्टि सेइंग मैम नो डाउट, ओके आर्यन, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए। सेम आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना मेरे पास जो है वैसे ही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सोल्यूशन बताना। एक क्वेश्चन मेरे पास हो गए, जस्ट लिसन इट केयरफुली। फिफ्थ क्वेश्चन, जस्ट सी इट केयरफुली, द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, उसने कहा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन द लाइंस विल बी पैरेलल। सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, ओवर लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस, इंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। कंसिस्टेंट में दो ऑप्शंस है मेरे पास, हमेशा कौन कौन सी, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, वो ओवरलैप भी कर सकती है, तो दैट मींस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन यहां पर बेटा हमारा आंसर आएगा। ओके निकाल लो बुक बेटा, ठीक है, पेज नंबर जो है 160। हाँ जी, तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, ये बहुत अलग सा क्वेश्चन तो नहीं मैं कह सकती, बट ध्यान से देखिए। y is equals to 0 and y is equal to minus 7, उसने कहा y is equal to 0 and y is equal to minus 7 has one solution, two solution, intersecting many solutions, infinite many solutions, sorry, or no solution, है ना? अब ध्यान से देखो, बेस्ट तरीका होता है जब भी कॉन्स्टेंट वाला है ना, अगर आपको डाउट लगे तो आप क्या कर लो मेरे पास हो गए, चेक करो कैसे, ड्रॉ करके देख लो। y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू माइनस सेवन पैरल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस, देखो इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना, पैरल लाइंस है, तो कैसा आएगा पैरल लाइंस का सोल्यूशन मेरे पास हो गए? या तो हम इसको जो है इनकंसिस्टेंट कह देते हैं, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यहाँ ऑप्शन दी हुई है वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन बेटा, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करती। ओके क्लियर बेटा, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ इक्वेशन, अ पेयर ऑफ इक्वेशन x is equals to a and y is equals to b, x is equal to a and y is equals to b graphically represents, kaisa represent karti hai, parallel lines intersect at b comma a, intersect a pehla hai parallel lines, second intersect at a b comma c, a b और मेरे पास डी जो है दैट इज इंटरसेक्ट एट, सॉरी डी ऑप्शन होगी, कोइंसिडेंट है। अब आप नहीं पता चलता है ना बेटा, तो एक रफ ड्रॉ करके इमेजिन करो, एक्स इज इक्वल टू ए पैरल टू वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू बी पैरल टू एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट करते हैं ना कहां पर, ये डिस्टेंस कितना है ए है, ये कितना है बी है, तो ए कॉमा बी पे करेगा ना, आपने ये पॉइंट निकालना है, जितना डिस्टेंस ये है वो एक्स का होगा, जितना डिस्टेंस मेरे पास ये वाला है वो वाई का होगा, ये ए है ये बी है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ए कॉमा बी। अच्छा अगर यही मैं यहां बी कर देती, यहां ए कर देती, तो पॉइंट कौन सा बन जाता, बी कॉमा। ओके बेटा क्लियर, हर्षिता जिया मनमीत मैक प्रार्थ, क्लियर है बेटा सबको, चलिए गुड। हां जी कम टू नेक्स्ट बेटा,
फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के, अब ध्यान से देखिए, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास हो गए हैज कोइंसिडेंट लाइंस, हाँ जी, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, हाँ जी बेटा, अब क्लियर कट देखिए मेरे पास, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, ए वन ओवर ए टू इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी, हाँ जी, थ्री बाय सिक्स माइनस वन बाय माइनस के, 8 by 16, 1 by 2, 1 by 2, ठीक है जी, तो k is equal to 2, अगर आप इन दोनों को compare, इन दोनों को भी compare करके देख लिया करो, यहाँ तो था ही 1 by 2, 1 by 2 ना, अगर by chance यहाँ k भी होता, यहाँ पर भी होता, तो दोनों से equate करके value निकालो, common solution मिल भी था answer, ऐसी value जो दोनों, अच्छा एक से k की value 3 आ रही है, एक से के की वैल्यू 2 आ रही है, तो नो सॉल्यूशन, मींस नो वैल्यू ऑफ के, यू कांट डिफाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट, समझ आ गई बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं किसी को, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, यस 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 आर्यन, यस आर्यन बेटा, मैम अगर नॉट इक्वल होता और के निकालना होता फिर, हाँ तो ये देखिए ना, मान लीजिए यहाँ ये है, किसी क्वेश्चन की बात करती हूँ, आपके पास नो सॉल्यूशन था, तो बेटा इक्वल टू किया, नॉट इक्वल टू, एक तरफ से तुम कह रहे हो के इज इक्वल टू टू, दूसरी तरफ से आपका आ रहा है के नॉट इक्वल टू टू, तो आप कहोगे नो वैल्यू, आपको हो ही नहीं सकता, उधर से टू आ जाए उधर से टू ना आए, तो अगेन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एनी वैल्यू फॉर विच दिस इज नो सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो वैल्यू, सच वैल्यू एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता ना, ठीक है क्या, क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, मेरे पास जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, लेट अस सी, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हैव सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री, विल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, या तो दोनों इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म को इधर रखो या इधर रखो, ये नहीं एक उधर हो, ठीक है, तो अब निकालना है, उसने कहा था इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी में क्या होता है मेरे पास, ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू मेरे पास माइनस वन बाय माइनस टू इज इक्वल टू, देखो ओके, हाँ जी, तो यहां से ये पहले तो यहां ही देखो मेरे पास जो है, अब देखो आर्यन आपको पता चल जाएगा क्या ये इक्वल हो सकता है, हो ही नहीं सकता, वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू टू, हमें उसने इनफाइनाइट मैनी कहा था, इनफाइनाइट मतलब ओवरलैपिंग, सब में इक्वल होता है, तो यहाँ क्लियर कट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो आप लिखोगे नो वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि इन दोनों के कारण ही हो ही नहीं सकता, मैं सी की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते पुत्र, ओके आर्यन, आर्यन इज इट क्लियर, देखो अपने आप वो क्वेश्चन आ गए, तो नो वैल्यू ऑप्शन होगी, देखना नो वैल्यू ऑफ सी एग्जिस्ट फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनफाइनाइट मैनी, ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज, नहीं इससे पहले क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज,
डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइट मैनी है ना, इज दिस व्हाट विल बी द सेकंड, आपको ऑप्शंस दी हुई हैं 10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 10x माइनस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 4, कौन सी ऑप्शन बनेगी जिसमें ना स्केलर मल्टीपल हो। अगर मैं देखूं किसको, अगर ये है तो मतलब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, एम आई राइट? जब आप ये उधर चलेगी या इसको इधर ले आओ, ये लो, अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस बनना चाहिए, पहला नहीं बनता। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नहीं बन रहा। अब अगला आ जाओ, अगर मैं 2 से करूं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ क्या है, नेगेटिव। यहां पर देखो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नेगेटिव, ठीक है, ये इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, लास्ट ऑप्शन इज दी। थोड़ा ऐसे स्मार्टली सब में रेशियो कैलकुलेट करो और चेक करो, दैट इज नॉट अ पॉसिबल। ओके बेटा, समझ आ गई बात? यस हर्षिता, यस हर्षिता बेटा। मैम प्लीज दोबारा समझा दो। मैं ये कह रही हूँ इनफाइनाइट मैनी के लिए एक मैंने शॉर्टकट बताया कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी ना वो स्केलर मल्टीपल होगा, तभी रेशियो ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन सी टू आई, सिर्फ इनफाइनाइट में। नहीं पता चलता है तो आप हर एक में ए वन ओवर ए टू की रेशियो लिख लो। देखिए माइनस वन बाय टू, यहां पर वन बाय टू, नहीं पॉसिबल ना। अगला देखोगे ये वन बाय टू है, ये भी वन बाय टू है, इसकी रेशियो निकालोगे माइनस वन बाय टू, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें रेशियो देखो वन बाय टू, अगली माइनस वन बाय टू आ गई, नहीं पॉसिबल। अब इसमें देखो माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, इसको इधर ले आओ प्लस हो गया तो ये भी माइनस वन बाय टू, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन में तीनों रेशियोज बराबर आ। बात समझ आई बेटा सबको, क्लियर हर्षिता? चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अब उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव, बी टू एक्स प्लस फाइव बाय माइनस इलेवन और फोर एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू, थ्री टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू वन, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, फोर्थ मेरे पास जो है एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स माइनस वाई माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो। उसने कहा ऐसी इनमें से ऑप्शन बताओ जिसका यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन यूनिक सोल्यूशन इस पॉइंट पे। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको, नो नीड टू डू दिस। सबसे पहले तो ये चेक करो किसमें यूनिक सोल्यूशन है। अगर देखू वन बाय टू इधर माइनस वन बाय थ्री, ये यूनिक है। इसमें देखू वन बाय टू, वन बाय टू नहीं है। इसमें देखू इसमें भी नहीं है, इसमें देखू इसमें भी नहीं है। अब मैंने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करो। जब मैंने यहां पुट किया या सॉल्व कर लो, पर वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी। जब आप इसमें पुट कर रहे हो टू माइनस थ्री, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये भी गया। इधर आ जाओ टू फोर, फोर प्लस थ्री, इसमें भी सेटिस्फाई, एक ही ऑप्शन है जी। अब इसमें करना चाहिए, अगर मैं देखूं तो
टू माइनस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व हो गया फोर्टीन, फोर्टीन माइनस फोर्टीन कर रहा है, इसमें देखो टेन प्लस थ्री थर्टीन, थर्टीन माइनस हो गया कि नहीं, इजी हो गया, वो अपने आप कटता जाता है क्रॉस लगाई जाए। ओके क्लियर टू एवरीवन बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहां पर किसी को भी, चले आगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, मेरे पास हो गए, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मेरे पास जो है दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू और एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसने कहा ए और बी की वैल्यू, मतलब ए और बी मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए सिंपली ऐड करो, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, x is equal to 3, अगर x 3 है तो y कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन 3 कॉमा 1, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, ओके। अच्छा कई बार पता क्या होता है क्वेश्चन में हमें आदत पड़ी होती है, इसको b दे देती, इसको दे दे a दे देती, और मैं कहती फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी y को पहले लिखना, दोनों आंसर दिए होंगे 3.1, 1.3, तो तब आपने किसको करेक्ट करना है 1.3 को। ओके क्लियर बेटा, डाउट तो नहीं किसी को, एनी डाउट टू एनी वन, चले आगे बेटा, चले कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है, लेट अस सी, आपके पास दिया है इफ 4x प्लस 3y, आप सब सॉल्व करोगे, हाँ जी, इफ 4x प्लस 3y मेरे पास हो गए दैट इज इक्वल टू 18xy, ओके, देन नेक्स्ट 2x माइनस 5y दैट प्लस 4xy इक्वल टू 0 मेरे पास, then find the value of x and y, then find the value of x and y। अच्छा चलो, अब कई बच्चे क्या करते हैं सीधा ही, वो कहते हैं मैम इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा ना, जब 2 से किया ये लो 4, 10 ऐसे ही 8, अब वो माइनस करते हैं, ये कट गया, कितना आंसर आया मेरे पास यहाँ पर 13y इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 26xy, वाई वाई कैंसिल और x की वैल्यू 1/2, ऐसे भी कर लेते हैं। ओके अब x पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो। हाँ क्वेश्चन नंबर 16, ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गई ये बात, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, कई बार हम पहले एक्स वाई से डिवाइड कर लेते हैं, इट इज अप टू यू, आप कैसे मैनेज कर रहे हो क्या कर रहे हो, क्लियर, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू इट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको देखना है कि वो कैसे फॉर्म होता है, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, कॉमन वैल्यू हमेशा लेनी है, अनकॉमन अगर आए तो दैट मीन्स नो सोल्यूशन, और आपको इसके रूल्स याद होने चाहिए, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ओके बेटा क्लियर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।